Hello, good morning student. This is the fourth part of chemistry. In the previous video, we had discussed in three videos about first chapter. That name is matter in our surrounding. Which topics? Matter, particles, their characteristics of a particles. Types of state, solid, liquid and gas. Now in this video we will discuss about the change of state of matter and effect of pressure on a matter. Now next topics, change of state of matter. When we give the temperature on any matter, it will change their state from solid to liquid, liquid to gas. Solid to liquid, liquid to gas. Take an example, like as a ice. Ice is a solid. When give temperature, it will change their state and become in form of liquid. That is water. Again give temperature, it changes its state and give vapor. Understand? हम एक बीकर लेते हैं. बीकर में पहले एक बीकर लेते हैं. हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में आइस के पार्ट्स रखते हैं और एक स्पिरिट लैम्प नीचे लगाते हैं. स्पिरिट लैम्प के थ्रू हीट देना स्टार्ट करते हैं. जैसे हम हीट देना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये जो सॉलिड फॉर्म में आइस होता है ये चेंज होना स्टार्ट कर देता है और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. और कुछ समय बाद जैसे टेम्परेचर को हम और इंक्रीज करते हैं, फिर ये गैसियस फॉर्म में बन जाता है और ऐसे वेपर के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है. तो फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड स्टेट इज लिक्विड एंड थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट. अंडरस्टैंड? इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. ऑल्सो From above it is clear that when we give temperature to solid, it will convert it into liquid, and when increase its temperature, it also converted into gas. Now solid into liquid, liquid into gas. This is the most important example of ice. When we give temperature to ice, it will convert into water, and also give the temperature of water, temperature to water, it will convert in vapor form. Understand? This is the change of state of a gas. Now we consider effect of pressure. To understand the effect of pressure, let us an example of ice also in form of solid. Solid, it changes into liquid and gas. When solid changes into liquid, it is known as
फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं, और जब लिक्विड गैस के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बोलते हैं। और जब गैस सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। और जब लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, फिकेशन बोलते हैं। और यहाँ भी जब गैस सॉलिड के में चेंज होता है तब भी सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब सॉलिड गैस में चेंज होता है तब भी सब्लिमेशन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, प्रेशर प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अंडरस्टैंड? जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो गया। जब प्रेशर को हमने, प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अभी किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही है, उसके फॉर्म में एलपीजी सिलेंडर। उसमें क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में एलपीजी सिलेंडर ही हम उसे आईसी लेकर कंपेयर करते हैं। पहले हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हुआ तो उसे हम फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और जैसे ही लिक्विड में टेम्परेचर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो वेपराइजेशन हुआ, यानी वेपर के फॉर्म में चेंज हुआ, हमें गैस मिला। अंडरस्टैंड? सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे जैसे कि सॉलिड को कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैम्फर, कैम्फर को हम जब हीट देते हैं तो वो सीधा गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। या फिर गैसेस को हम कैम्फर के जो गैस होते हैं उसको कोल्ड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अंडरस्टैंड? फ्यूजन क्या होता है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस समय फ्यूजन होता है। अब जब लिक्विड को गैस के चेंज में करते हैं तो उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं, और जब गैस चेंज होता है सब्लिमेशन, गैस चेंज होता है सॉलिड में या सॉलिड चेंज होता है गैस में तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रेशर के लिए यही है, और इसके लिए आप सिलेंडर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे ही आपने पिस्टन, ये सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर हो गया आपका, लाइक एज दिस, दिस इज योर सिलेंडर। इसमें यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहता है, ना पिस्टन। जैसे ही हम यहाँ पे इसको पिंस प्रेस करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, और जैसे ही नीचे की तरफ प्रेस राइट करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये नीचे की तरफ, ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस बाहर आता है, ये फॉर्म होता है। अभी आपके लेवल पे ये इतना ही समझिए आप। अंडरस्टैंड? ओके, समझ में। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में डायरेक्ट हम टेम्परेचर से ही मेजर कर लेते हैं, वहां भी हम टेम्परेचर से ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में क्या होता है, किसी भी पॉट को पॉट में कंटेन किए हुए थिंग्स पे ही हम प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को किसी पॉट में कंटेन करने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी टेम्परेचर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। प्रेशर को बनाने के लिए हमें किसी पॉट को लेना पड़ेगा और उसमें उसे कंटेन करना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के लिए किसी पॉट में रखने की आवश्यकता नहीं।
एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, चेंज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू गैस, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर, कैसे हुआ आप समझ रहे हो ना, अंडरस्टैंड। यहां से ये एक्सपेरिमेंट और ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड फ्यूजन, लिक्विड वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, गैस, प्रेशर, टेम्परेचर, अंडरस्टैंड। ओके,